जय हिंद बच्चों, आज हम सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, एंड सिक्स्थ एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो स्टूडेंट, आप सभी तैयार हैं? अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को समझने। हम लोग अब चलते हैं, केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों को जो समझना है वह रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस है, यहाँ एक ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है, और ये दोनों कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बना रहा है, ए बी, ये न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। स्टूडेंट, यदि यहाँ पर तीन सब्सटेंस एक साथ कंबाइन हो, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां सिंगल सब्सटेंस बने ए बी सी, ये सिंगल सब्सटेंस बनता है, तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन मीन्स ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। स्टूडेंट, यहां दो या दो से अधिक सब्सटेंस को कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल बता हूं, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस। तो आप जानते हैं कि कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां हो क्या रहा है स्टूडेंट, ये देखिए, कार्बन है जो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो यहां पर दो सब्सटेंसेस है, टू सब्सटेंसेस है, एंड टू सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसका 10th के खासकर एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, आप सभी जानते भी हैं इसको, कि कैल्शियम ऑक्साइड स्टूडेंट आप लोग समझते होंगे, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, या केवल लाइम भी कहते हैं, इसको लाइम कहते हैं, ये लाइम है, और लाइम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट बनता है क्या चीज, सेलेक्ट लाइम, ये सेलेक्ट लाइम बनता है स्टूडेंट। यहां पर ये लाइम है और यहां क्या है, सेलेक्ट लाइम। तो यहां हम देखते हैं क्या, कि कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होता है और लाइम बनता है, तो यहां कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसलिए यह भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। स्टेट हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट में है, और कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड जो बनता है, जिसका स्टेट होता है एक्वस स्टेट होता है, जिसको सिंपल हम लोग एक्यू लिखते हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये सब एग्जाम्पल है। मैं और कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ आपको, जैसे मेरा थर्ड एग्जाम्पल है कि जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, हम सब जानते हैं मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट, एंड इट बर्न्स ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये जलता है, और जलने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह भी क्या है, एक एक जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर देखते हैं कि मैग्नीशियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन गैस, तो ये दो सब्सटेंसेस है, एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन, और दोनों कंबाइन हो रहा है,
और कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसलिए क्या है, यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे स्टूडेंट आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेरा जो सेकंड टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड जो है वो है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट अपोजिट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यह अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि टू सब्सटेंसेस या मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, बट इन दिस केस सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है कि कोई सिंगल सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, तो इसे हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, ब्रेकअप है ना, स्प्लिट्स ऑफ। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, ये डिकम्पोजिशन जो होता है इसको हम लोग स्प्लिट अप भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब स्प्लिट अप, टूटना। यहाँ पर प्रोडक्ट, यदि यहाँ पर यदि कोई भी सब्सटेंस है जो सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ मान लीजिए कोई सब्सटेंस है ए और बी, यह सिंगल है, लेकिन जब ये रिएक्शन होगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, टूट कर अलग अलग हो जाएगा, तो यह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है स्टूडेंट। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स होकर ये तीन सब्सटेंसेस बन सकता है, ये सिंगल सब्सटेंस है ये ब्रेक होकर तीन पार्ट में भी बन सकता है, थ्री प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, है ना। यानी यहाँ सिंगल जो प्रोडक्ट है, सिंगल जो सब्सटेंस है, यहाँ सिंगल सब्सटेंस है जो स्प्लिट होता है और स्प्लिट होकर टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस में बदल जाता है, तो इसे हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग खासकर मार्बल कहते हैं, इसको हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं, लाइम स्टोन। तो ये लाइम स्टोन जब हीट एनर्जी इसको दिया जाता है, इसमें हीट दिया जाएगा, तो हीट देने से क्या होगा, तो हीट देने से ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहां स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स हो रहा है, और ब्रेक्स होकर कैल्शियम ऑक्साइड लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये न्यू सब्सटेंसेस, दो न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, इसलिए यह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम भी इसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें से क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो यह एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अब मैं यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आयरन सल्फेट को। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला होता है Fe SO4, सॉलिड है ये, खासकर ये जो है ग्रीन कलर में दिखता है। जब इसे हीट किया जाता है तो हीट करने पर ये ब्रेक, यानी ये जो आयरन सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट जब ब्रेक होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और दो गैसेस बनते हैं, कौन कौन सा गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देते हैं सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट और ये दोनों गैसियस स्टेट में ये प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखें क्या है यहाँ पर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इंटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे, कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म, एंड सिमिलरली आयरन सल्फेट हीटेड फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस आर फॉर्म, एंड दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस को, तब तक सभी स्वस्थ रहें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।